मेरा नाम है उत्कर्ष मल्होत्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे, मेरे पॉडकास्ट पे, Instagram पे, जहाँ भी आप इस वीडियो को देख रहे हो या मेरी वॉइस को सुन रहे हो। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में, जो शायद आपको थंबनेल से टाइटल से पता चल गया होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मैं एक दो दिन पहले आर्टिकल लिख रहा था इसी चीज़ पे, मतलब उसमें 21 सेल्फ हेल्प बुक्स कवर करी थी। उधर डिटेल्ड आर्टिकल था, उसका मैं आपको चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उसमें मैंने 21 सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में जब लिख रहा था टेबलेट फॉर्म में कि इसमें इतने पेजेस हैं, इतनी ही डाटा है, आपको 20s में तो ये पढ़नी चाहिए और ये वाली ऐसी जो सभी को पढ़नी चाहिए, वो किसी भी एज के कुछ भी करते हो, तो उसमें ना आप क्योरा पे या फिर गूगल पे आप सर्च करोगे तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाता है कि क्या कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, सेल्फ हेल्प बुक्स अच्छी होती हैं बेकार होती हैं, या सेल्फ हेल्प बुक्स कह सकते हो काम करती हैं या नहीं भी करती हैं, कुछ होता है इससे नहीं होता। तो मैंने सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में उसके साथ साथ जो आपको 7 बुक्स में बताऊंगा इसको भी अगर मैं कवर कर लूँ इन क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ये वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल भी हो जाए आपके लिए और हम आराम से सब कुछ कवर कर लें। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि सेल्फ हेल्प बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। तो मोस्टली मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ बुक्स ही क्यों पढ़नी चाहिए सारी। तो देखो, वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छा क्वोट कहा था कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सबसे अच्छी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है, वो है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करो, ठीक है। और जितना मेरे को छोटी मोटी चीज़ें पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप बुक्स पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, ब्लॉग्स पढ़ के या कुछ वीडियोस देख के सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और उसमें सबसे चीपेस्ट वे है और जो इफेक्टिव वे है वो है बुक्स पढ़ना, ठीक है। तो बहुत सारी स्किल्स भी सीख सकते हो आप बुक्स पढ़ के, सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के लिए नहीं। मैंने कोडिंग करना जो है, मैंने बुक पढ़ी, मैंने ब्लॉग्स पढ़े, मैंने आर्टिकल कर करके मैंने कोडिंग सीखी, मतलब ठीक ठाक सीख ली है। सो मैंने बुक पढ़ी, वो जाना पाइथन की, एरिक मैजिस की, पाइथन क्रैश कोर्स करके मैंने उससे पाइथन सीखी, फिर प्रैक्टिस करी, फिर ऑनलाइन एक कोर्स आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, हार्वर्ड सी एस की, वो करा, ऐसे कर करके मैंने छोटा सा अपना प्रोजेक्ट भी बनाया था, तो उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये होती है पावर ऑफ सेल्फ लर्निंग, पावर ऑफ रीडिंग बुक्स और कंज्यूमिंग गुड मटेरियल। तो अगर आप किसी भी लेवल पे हो तो आपको सेल्फ हेल्प भी पढ़ो और एक्स्ट्रा भी पढ़ो, फिक्शन भी पढ़ो, यानी फिक्शन मत पढ़ो, ये फिक्शनल बुक है तो सबसे आगे रखिए, बहुत पॉपुलर है, बहुत मजेदार है, सबसे आप सीख सकते हो, बस पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ठीक है। और इसमें एक बहुत अच्छा क्वोट है जो मेरे सामने है, वो है, अ रीडर लिव्स अ 1000 लाइव्स बिफोर ही डाइज, द मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली वन। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वोट लगता है, क्योंकि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलेगा, अलग अलग कह सकते हो जो एक्सपीरियंसेस होती हैं लोगों के साथ में। अब जैसे इसके साथ हुआ था कि जब ये जो चैप्टर की कहानी है, सो मैंने इसकी पूरी कहानी पढ़ी तो ऐसा लगा तो आप मेन करेक्टर को खुद को इमेजिन करते हैं, जैसे फिल्म देखते में होता है कि आप मेन करेक्टर में खुद को इमेजिन करते हैं, उसी टाइप का सीन होता है बुक्स पढ़ते में कि जब ऑथर की जगह हम अपने आप को इमेजिन करते हैं, तो हम बहुत सारी अलग सिचुएशंस में खुद को वर्चुअली जी सकते हैं। तो इसलिए क्यों कहता है कि रीडर लिव्स अ 1000 लाइव्स बट अ मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली वन। सो अब देख लो, एक इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे तुम 1000 जिंदगियाँ जी सकते हो, यहाँ पे तुम एक जी सकते हो, तो 1000 ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को तो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि क्या सेल्फ हेल्प बुक्स अच्छी होती हैं या बेकार होती हैं। देखो, अब इसके बारे में ना मैं आपको अपने एक फ्रेंड की कहानी बताता हूँ। सो रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो स्कूल का फ्रेंड है मेरा, उसका नाम है आयुष शर्मा। आयुष जो है मतलब वो भी एविड रीडर है, मतलब अच्छी रीडिंग उसको अच्छी लगती है बहुत, तो उसका लिंक मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो कर सकते हो रिलेटेड टू बुक्स एंड स्टफ। तो उसने मुझे बताया था, मैं उससे कॉल पे बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे कॉलेज कैसे चल रहा है ये सब, तो उसने मुझे ये बताया कि उत्कर्ष तरह बुक्स के बारे में जब बात करते पहले ये वाली बुक पढ़ेगा वो वाली पढ़िए, तो उसने मेरे को ये बताया कि उत्कर्ष भाई कैसी भी किताब हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ घटिया से घटिया मान लो तुम उस बुक को, वो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी, ठीक है। हो सकता है कुछ नया एक्सपीरियंस, हो सकता है कुछ नई वोकैबुलरीज, कुछ भी ऐसा जो तुम्हें पहले नहीं पता होगा, तो तुमने कुछ गेन ही करा है वहाँ से, कुछ लॉस नहीं करा है, मतलब तो वहाँ पे जो टाइम लगाया है वो तुमने यूटिलाइज ही करा है, वहाँ पे तुम्हारा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात मेरे दिमाग में तब से अब तक वो चल गई थी, मैंने अपने आर्टिकल में भी उसके बारे में लिखाई थी, मेरी उससे बात हुई थी, उसने मेरे को ये बताया। सो आई थिंक ये आपका आंसर हो गया होगा कि सेल्फ हेल्प बुक हो, कोई भी बुक हो, मैं भी एग्री करता हूँ उसकी, कोई भी बुरी नहीं होती, कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगी, ठीक है ना। तो चाणक्य नीति पढ़ो, तो भगवत गीता पढ़ो, तो हम कह सकते हैं कोई भी बुक पढ़ो, चाहे जो समझ में अभी हो सकता है ना आए, नहीं हमारी इतना अंडरस्टैंडिंग का लेवल ना हो, पर कुछ ना कुछ तो जरूर सिखाएगी और उसमें बड़ा मजा आता है फिर।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन भी टिक। सो मैं यहाँ पे नोट पैड लेके बैठा हूँ ताकि उनको ध्यान रहे चीजें, मैं भूल जाता हूँ। अब आता है कि सेल्फ हेल्प बुक्स काम करती है कि नहीं करती, तो नहीं भाई नहीं करती। इसका तो एक ही आंसर है कि सेल्फ हेल्प बुक्स काम नहीं करती, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स से होती है तरीके से मालूम माइंड सेट दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, काम आपको पढ़ना करना पड़ेगा। अब ये गलती मैंने करी थी, मैंने मतलब मेरे जो थी स्टार्टिंग, मान लो कॉलेज के स्टार्टिंग में कुछ हैबिट्स थी कि मान लो लेट उठ रहा है या फिर रात को देर तक चला या सब करके बन गई थी मेरा थोड़ा वहाँ से। तो फिर मैंने कहा अब क्या करा जाए, तो एक बुक थी पावर ऑफ हैबिट्स, तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा अगर मैं इसको पढ़ लूँगा मेरी हैबिट्स अपने आप में धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे जब उसमें काम कर रहा तो वो शायद इम्प्रूव हो सकती थी। तो ऐसा मैंने वहाँ से लेसन सीखा, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर पा रहा हूँ कि देखो सेल्फ हेल्प बुक नहीं वर्क करती, एक लाइन का आंसर है। मैंने यहाँ पे भी लिखा कि सेल्फ हेल्प बुक कभी वर्क नहीं करती, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक से आपको क्या क्या मिल सकता है। मुझे उस बुक में क्या क्या मिला, मुझे उस बुक में मिला कि उन लोगों के एक्सपीरियंस है जिन्होंने अपनी हैबिट्स को ठीक करा था, मतलब अपनी हैबिट्स को सुधारा था। तो मेरे को लगा अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी अगर काम करूँ आज नहीं एक साल बाद शायद मेरी भी हैबिट्स अच्छी हो जाए, मेरे भी माइंड सेट चेंज हो जाए, मेरी भी स्किल अच्छी डेवलप हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक माइंड सेट मिल जाता है कि ओके इस तरीके से सोचना है, प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है जो उनको प्रॉब्लम्स आने वाले, तो आप थोड़े से प्रिपेयर होकर जा सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हो रोड मैप है कि अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, बुक्स आर काइंड ऑफ अ रोड मैप, इट विल टेल यू यू विल गो देयर, यू विल एनकाउंटर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी यहाँ, और हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जाए आपके साथ जो उस बुक में ना लिखा हो, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हो सकता है ऐसा ही। पर उससे ना कुछ कुछ आइडिया लग जाता है कि अच्छा कुछ ऐसे होगा, जैसे मान लो कि ट्रैवल करने जा रहे हो तो उस ट्रैवल करने एकदम से तो नहीं जाओगे, पहले कहीं नेट पे देखोगे, बुकिंग करोगे और लोगों से बात करोगे। वैसे ही कुछ कुछ इसमें भी है कि सेल्फ हेल्प बुक्स वर्क नहीं करती, यानी कि उसको पढ़ने से सब कुछ बदल जाएगा, पर आपको कुछ नॉलेज हो जाएगी कि अच्छा कि कुछ टेक्निक्स है। अगर मान लो टाइम मैनेजमेंट में है तो ब्रायन ट्रेसी का ABCDE मेथड होता है, जिससे हम अपने टास्क को ऐसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, 80-20 रूल्स कुछ होता है, ये सब करके कुछ कुछ हेल्प मिल सकती है, बहुत कुछ नहीं हो सकता वो एंड वाला, बहुत कुछ अपन लोगों को ही करना पड़ता है। तो आई थिंक ये कुछ क्लियर हो गए तीन क्वेश्चन की सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, अच्छी होती है बेकार होती है, काम करती है नहीं करती। सो मैंने मोस्टली तीन क्वेश्चन ही देखे थे। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, जो है कि कौन सी वो सेवन बुक्स हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा वो है, चलो अभी तो यहाँ पे है नहीं, एज अ मैन थिंक इट, ये वाली नहीं है, ये दूसरी है। एज अ मैन थिंक इट की मेरे पास PDF कॉपी पड़ी हुई है, उसको मैंने स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पढ़े, संदीप महेश्वरी सर ने भी वो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करी है। और उस पर देखोगे अगर क्या कहते हैं Amazon पे क्योरा पे, तो उसके बारे में इतनी ज़्यादा डाटा है, उसके बारे में इतने ज़्यादा आंसर है, इतने ज़्यादा रिव्यूज हैं कि वो है बड़ी कमाल की। तो मैंने उसकी स्टार्टिंग में पढ़े थे शायद अराउंड 3 चैप्टर, 2 या 3, सो अच्छी लगी। उसमें ये बताया कि कैसे जो थॉट्स होते हैं वो आपकी डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए उठाई उससे रिलेटेड है। तो अब मैं आपको उसको थोड़ा डाटा दे देता हूँ जो मैंने लिखा था, मेरे पास उसका डाटा एग्जैक्टली है एज अ मैन थिंकिंग, हाँ ये रहा। तो देखो इसको लिखा है जेम्स एलन ने, सबसे अच्छी बात 50 पेजेस की बुक है, मुश्किल से 50 पेजेस की, तो छोटी बुक है, बहुत आराम से पढ़ लोगे, 7 चैप्टर्स हैं। और इस बुक का कंसेप्ट है कि कैसे आपके थॉट्स होते हैं वो आपकी डेस्टिनी को शेप करते हैं, कि जो यहाँ पर चलता है वो आपकी डेस्टिनी बनती जाती है वैसी ही। किसको पढ़नी चाहिए उनको, जिसको ये समझना है कि कैसे जो थॉट्स हैं जो हम अपने अंदर एक थॉट्स का सीड प्लांट करते हैं वो ओवर द टाइम कंपाउंड हो गए, कैसे एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे लिए क्रिएट कर सकता है, वो अच्छा भी इफेक्ट भी हो सकता है, वो बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। इसका जो क्यूट है वो है कि सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी, एंड कॉलमनेस इज पावर। अब इसकी रेटिंग है 4.35 से, आई थिंक ये गुड रीड्स नाम की जो वेबसाइट है, ये गूगल से मैंने रेटिंग उठाई है वहां पे। तो ये थी पहली बुक, इसका नाम था एज अ मैन थिंक इट, ठीक है। दूसरी है थिंक एंड ग्रो रिच, ये मेरे पास थी, मैंने आपको दिखाती। थिंक एंड ग्रो रिच क्या है, नेपोलियन हिल ने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की इंटरव्यूज लिए थी, उन्होंने इस बुक में ये लिखा कि क्यों सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल होते हैं, मतलब उनमें से क्या ट्रेड्स होते हैं, वो ऐसी क्या चीजें करते हैं। तो ये मोस्ट फेमस बुक है यू कैन से सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में, बहुत टाइम पहले उन्होंने लिखी थी। अब मैं आपको इसकी भी कुछ डाटा बता देता हूँ, इसके ऑथर है जैसे मैंने बताया नेपोलियन हिल, इसमें 225 के अप्रोक्स पेजेस हैं, मेरे में तो बढ़ गए हैं, मेरे में 327 है, शायद पुराने वाले का होगा। तो अप्रोक्स देखो अभी मेरे में लास्ट पेज है 331, शायद देखिए भी नहीं रहा हो 331। और इसमें चैप्टर्स हैं 15, बुक का कंसेप्ट है कि जो कुछ सक्सेस के लॉज हैं जो सक्सेसफुल लोगों को पता होते हैं वो इसमें लिखे हुए हैं।
और ये एवरीवन मस्ट रीड इट, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे कॉलेज में हो, आप चाहे स्कूल में हो, आई थिंक एवरीवन शुड रीड इट। इसका क्वोट है कि व्हेन डिफीट कम्स एक्सेप्ट इट एज अ सिग्नल दैट योर प्लान्स आर नॉट साउंड, रीबिल्ड दोस प्लान्स एंड सेट सेल वंस मोर टुवर्ड्स योर गोल। तो बस आपने को सोचा कि ये हो जाएगा मैं कर लूंगा, वो काम नहीं कर रहा था, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नहीं कर सकते, मतलब ये कि वो आपका जो प्लान था वो अच्छा नहीं था या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई। सो दोबारा उस प्लान बनाओ एंड रीट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तीसरी वाली बुक मैंने पढ़ी नहीं है पर मेरा पढ़ने का मन बहुत है, उसका नाम है द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके बारे में मैंने सुना हुआ था, मेरे दोस्तों ने बताया था, इसको लिखा है स्टीवन आर कॉबी ने लिखा है, अराउंड 432 पेजेस की ये बुक है, 10 चैप्टर्स हैं इसमें। जैसे बुक का नाम है सात हैबिट्स के बारे में बताया गया है जो सक्सेसफुल लोगों में होती हैं, आई थिंक लीडरशिप डिसीजन वगैरह की, ये सब मैंने तो थोड़ा अंडरस्टैंड करा ये है। तो इसको किसको पढ़ना चाहिए अगर आप जानना चाहते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन है वो कैसे सोचते हैं, उनकी हैबिट्स क्या क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ो। क्योर्स इसका जो मेरे को अच्छा लगा था वो है मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। इसकी रेटिंग है 4.15 में से। तो चौथी बुक है आई डोंट थिंक इसके बारे में ज्यादा लोगों ने सुना होगा, एक सेकेंड यप। सो चौथी बुक के बारे में आई डोंट थिंक ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। ये बुक ना थोड़ी कह सकते मोटिवेशन साइड में नहीं है, थोड़ी स्पिरिचुअल साइड में है, पर आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है और ये मेरी टू रीड लिस्ट में भी है, थोड़ी ऊपर नंबर पे। द पावर ऑफ नाउ लिखी है आई थिंक एकार्ट टोले ने, मतलब मैंने प्रोनाउंसिएट चाहे थोड़ा गलत किया है, ECKHART TOLLE इंडियन में एकार्ट टोले ने लिखी है सर, जो मिस्टर एकार्ट टोले जी ने लिखी है द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ में बताते हैं कि कैसे मतलब प्रेजेंट में रहने की जो पावर है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे डेवलप कर सकते हो किसे प्रेजेंट ही और कुछ नहीं। तो मतलब ये थोड़ी स्पिरिचुअल साइड की जो चीज़ें हैं ना वो, क्योंकि मेरे साथ होता है कि मान लो अगर अभी मैं सपोज अभी ये बना रहा हूँ तो कुछ और चल रहा है, मतलब कि पूरा फोकस कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए मेरे को लगा शायद ये जो प्रॉब्लम है सब फेस कर रहे हो तो एक अच्छी बुक हो सकती है सबके लिए। फिफ्थ बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है। इसकी चैप्टर वाइज समरी मैं बना रहा हूँ अभी, मतलब चैप्टर वाइज समरी मैंने इसकी चार पांच चैप्टर्स की बना दी है, तो और भी आएंगी आगे, शायद ऊपर आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाए उसका। तो ये है कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप डेवलप कर सकते हो, ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है अप्रॉक्स। इसमें चैप्टर्स ना अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग है, जैसे मान लो पहले पार्ट में 3 चैप्टर है, दूसरे पार्ट में 6 चैप्टर है, तीसरे में 9 है, ऐसे करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। अराउंड 341 पेजेस की है ये बुक, और टोटल मिला के चारों पार्ट के अप्रॉक्स 30 चैप्टर है, पर बुक छोटी सी है और बुक बड़ी मजेदार है, बड़ा मजा आएगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज बता सकता हूँ और किसको पढ़नी चाहिए, ये सभी को पढ़नी चाहिए, आप किसी भी लेवल पे हो कुछ भी कर रहे हो। लेकिन ना मैं एक चीज बताना चाहूंगा, देखो इसको पढ़ो ना तो साथ में कुछ लेके बैठना जिसमें तुम मीनिंग देख पाओ, क्योंकि मेरी बड़ी हालत खराब होती है इसमें, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं डील करने की है, बड़े कमाल के होते हैं, मतलब ऐसे ऐसी चीजें लिखी कि तुम बुक हो जाओगे इस बुक में, तुम पूरा खत्म ना करो उस चैप्टर को। लेकिन कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं, कुछ थोड़ा मेरे को कॉन्टेक्स्ट समझने में दिक्कत होती है, तो साथ में गूगल ट्रांसलेट, कोई ट्रांसलेशन सर्विस, कुछ ऐसा जो आपको थोड़ा मीनिंग्स बता दें, वो सब टूल्स आप लेके बैठो, उसके बिना शायद मेरी वोकैबुलरी या फिर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि फिर मैं इसको इतने सिंपल तरीके से पढ़ पाऊँ। इसका जो क्यूट है वो एक जो अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन जस्ट 2 months बाई गेटिंग इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, देन यू कैन मेक इट 2 years इन मेकिंग अदर पीपल इंटरेस्टेड इन यू। इसकी रेटिंग है 4.2। ओके अब है अगली बुक द एल्केमिस्ट। द एल्केमिस्ट को लिखा है मिस्टर पोलो कोएलियो ने, सो ये बहुत ही फेमस ऑथर है, ठीक है। इनकी ये जो बुक है ये फिक्शनल बुक है और बहुत ही मजेदार है, ठीक है। मतलब ये बुक अगर आप पढ़ने बैठोगे जब तक पूरी खत्म नहीं कर लोगे आपका मन नहीं करेगा इसको छोड़ने का। तो ये बुक में अराउंड 179 पेजेस है, ये बुक 2 parts में डिवाइडेड है। ये एक शेपर्ड की कहानी है कि कैसे उसको एक खजाना भी ढूंढना होता है, फिर उसके जो कंफर्टेबल लाइफ है वो भी जरूरी होती है, तो उसके पूरे दिमाग में स्ट्रगल चलता रहता है, तो प्रॉपर उसी की कहानी है। फिर एंड में खजाना मिलता है तो खजाना देख के वो चौंक जाता है, उसकी पूरी जर्नी वो बहुत मजेदार है। मतलब एडवेंचर बुक अगर पढ़नी हो, किसी को एडवेंचर का शौक हो, मोटिवेशन भी चाहिए हो, भाई ये लो बहुत अच्छी बुक है। तो लास्ट बुक जिसके बारे में बात करेंगे जो सैडली अभी मेरे पास नहीं है, वो है रिच डैड पुअर डैड, मतलब मैंने पढ़ी है बट अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है।
सो रिचर्ड पुअर डैड बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, जो वो बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बताते हैं, उसकी भी मैंने रिव्यू बनाया था, मैंने उसका रिव्यू बनाया है, उसका मैं चाहता हूँ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहां पे जाकर उसको देख सकते हो, और उसका आर्टिकल भी लिखा है मैंने उस पर, उसका भी लिंक दे दूंगा। तो वो ये बताते हैं कि देखो कैसे जो हम लोग हैं, हमें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि स्कूल कॉलेज जॉब, तो उसके अलावा वो कहते हैं कि जो रिचेस होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, वो कहते हैं कि कैसे हम पैसे को कमा, पैसे को वर्क करा पाए, इस टाइप की पूरी बुक है कि अभी लोग कैसे सोचते हैं, उनका क्या माइंड सेट होता है। बुक में अराउंड 336 पेजेस हैं, 14 चैप्टर है। बुक का कंसेप्ट ये है कि अमीर लोगों को ऐसा क्या पता होता है जो रिच, जो पुअर को और मिडिल क्लास को नहीं पता होता, और किसको पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है, अगर आप मेरी एज अराउंड 18, 19, 20 के हो, पढ़ो सर, जरूर पढ़िए, आप किसी भी एज के ऊपर सबको पढ़नी जरूर चाहिए एक बार। अगला है जो क्योर सबसे अच्छा लगता है इसका, वो है यू आर ओनली पुअर इफ यू गिव अप, रेटिंग है 4.15 में से। सो ये थी मोस्टली और बुक्स थी, 7 आई थिंक मैंने कवर कर ली, दोबारा से नाम बोल देते हैं, एज अ मैन थिंक इट, थिंक एंड ग्रो रिच, और द एल्केमिस्ट, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, एक और थी रिच डैड पुअर डैड 5, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 6, एंड द पावर ऑफ नाउ 7। तो ये थी 7 बुक्स। उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्टेड है सुबह का तो और नाम बता देता हूँ, उसमें से देखते हुए मेरे सामने खुला हुआ मेरा आर्टिकल वगैरह मिल जाता है, वैसे नाम ध्यान नहीं रहते, मैक्सिमम अचीवमेंट बाई ब्राइन ट्रेसी, ईट दैट फ्रॉग, रिचेस्ट मैन एंड बेबिलियन। तो अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए आप यहाँ जा सकते हो ब्लॉग में, इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके पढ़ सकते हो, आपको अच्छी वैल्यू मिल जाएगी आई होप। सो कैसी लगी वीडियो प्लीज बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत थैंक यू, मैं आगे और ट्राई करूंगा कि इसको और अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट बना सकूं। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो।